दिल्ली सरकार के पैसों की बर्बादी वीडियो में कैद। एंटीजन टेस्ट किए बिना ही बनाई फर्जी नामों की सूची, बंद कमरे में टेस्ट आखिर कैसे? कोरोना टेस्टिंग के नाम पर हो रही है गड़बड़। दिल्ली सरकार की जगतपुरी डिस्पेंसरी में दर्जनों एंटीजन टेस्ट किट कूड़ेदान में मिली। एक वीडियो ने खोली पोल, कोरोना जांच के नाम पर सरकार की आंखों में झोंकी गई धूल। कोरोना ऐसी भयंकर बीमारी जिसने पूरे विश्व को बर्बाद कर दिया, वहीं पर भारत का कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं रहा। और बात करें दिल्ली की, तो यहां तो हालात और भी डरावने थे। मामले तेजी से बढ़ रहे थे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार कोरोना की चेन को किसी भी कीमत में तोड़ना चाहती थी, और सरकार ने इसके लिए टेस्टिंग पर जोर दिया। टेस्टिंग तेज कर दी गई, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के जरिए कोरोना की जांच की जाने लगी। लेकिन सरकार के पैसे पानी में बहाए जा रहे थे और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। टीवी 29 न्यूज की टीम को यह जानकारी मिली कि बिना टेस्ट किए, बिना सैंपल लिए जांच के नाम पर सैकड़ों नाम दर्ज किए जा रहे थे। और फिर हमें हाथ लगी एक ऐसी वीडियो जिसको देखकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। ये वीडियो है दिल्ली सरकार की एक डिस्पेंसरी की, जिसे कहा जाता है DGD डिस्पेंसरी जगतपुरी। इस डिस्पेंसरी में जो हो रहा था वो केजरीवाल सरकार की नाक के नीचे उसके पैसों की बर्बादी और जनता के साथ धोखा था। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एंटीजन टेस्ट किट एक बंद कमरे में खोली जाती है और उसे फाड़ा जाता है और बिना टेस्ट किए बल्क में कूड़ेदान में डाली जा रही है। ये काम डिस्पेंसरी की सीनियर डॉक्टर की देखरेख में चल रहा था और इस काम को अंजाम दे रहे थे DCD के कर्मी। एक तरफ सरकार दावे कर रही थी कि टेस्ट में कमी आ गई है, कोरोना पर काबू पा लिया गया है, लेकिन असली हकीकत ये है जो वीडियो में दिख रही है। आपकी अरविंद केजरीवाल सरकार लाखों रुपए खर्च करके टेस्टिंग किट दे रही थी और DGD जगतपुरी में गंदा खेल खेला जा रहा था। 29 न्यूज की मैंने एक वीडियो देखी है, इसमें जो एंटीजन जो टेस्ट हो रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, उस वीडियो में खुलेआम दिखाया गया है कि जिस तरीके से सिविल डिफेंस का एक कर्मचारी जो उसकी टेस्ट की जो किट है वो डस्टबिन में फेंक रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से वो कर्मचारी किट को डस्टबिन में फेंक रहा है, ये बिल्कुल चिंताजनक और शर्मनाक बात है। आज अगर किसी व्यक्ति को ये इसके इस्तेमाल किया जाता तो एक अच्छी बात थी, और मैं समझता हूँ ये खाना पूर्ति की जा रही है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि फर्जी डाटा तैयार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हमेशा दो ट्रैक पे काम करते हैं, एक तो प्रचार के माध्यम से बड़बोले बयान देकर अपनी प्रचार की सिद्धि पाते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, दिल्ली सरकार के हेल्थ मिनिस्टर से कहना चाहूँगा, जो ये वीडियो TV 29 न्यूज़ में जो है उसको देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। आज क्या मेरा मानना तो ये है कि सारा फर्जी डाटा तैयार किया जा रहा है। मान लो जो लोग रैपिड टेस्ट कराने के लिए आए, रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट 2 या 3 दिन के अंदर आती है, उसी रैपिड टेस्ट की एंट्री रैपिड टेस्ट में ना करके एंटीजन टेस्ट में कर रहे हैं वो लोग, और ऐसा कई मामला प्रयास में आया है, तो ये बिल्कुल गलत है और ये एक बहुत बड़ा करप्शन है, भ्रष्टाचार है। इसमें अधिक से अधिक अगर जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। और ये जनता का, आखिर हम लोगों का टैक्स का पैसा है। आज हेल्थ में सरकार इतना पैसा खर्च करती है, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को पैसा देती है, और आज दिल्ली सरकार का जो हेल्थ में जो पैसा जाता है ये हम लोगों के टैक्स का पैसा है, दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा है, और उसका इस्तेमाल ना हो, वो डस्टबिन में अगर किट फेंकी जाए तो ये बहुत चिंताजनक है। इसकी जाँच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनको तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण काम नहीं है, या कोई सिविल डिफेंस का कर्मचारी या कोई ऐसे कर दे, ऐसे नहीं कर सकता। ये इसके अंदर बड़े डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं और बड़े अधिकारी जो हेल्थ सेक्टर के बड़े अधिकारी हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, और करोड़ों रुपये का घोटाला है। मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से और केंद्र सरकार के हेल्थ मिनिस्टर से मैं ये मांग करता हूँ कि जो ये वीडियो है इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं
उनको तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लोग मर रहे थे, सरकार हर संभव प्रयास कर रही थी कि आंकड़ों में कमी लाई जाए। सरकार टेस्टिंग किट देकर आंकड़े जुटा रही थी और जगतपुरी की डिस्पेंसरी सरकार का पैसा कूड़े में डालकर एक बंद कमरे में बिना जांच किए आंकड़े तैयार कर रही थी। ऐसा ना जाने दिल्ली में और कितनी जगह किया जा रहा था। अभी मेरे को आपने बताया, अभी आपके चैनल के माध्यम से मेरे को ये नॉलेज मिली है आपके, तो मैं मंडे को, कल तो संडे, कल डिस्पेंसरी बंद हो गई, मंडे सुबह मैं जाऊँगा, इसकी तहकीकात करूँगा और आपको इन्फॉर्म भी करूँगा मैं कि ये क्या मामला है। इसकी इंक्वायरी होगी पूरी, जो आपने मेरे को बताया, आपके पास वीडियो भी है, आप बता रहे हैं जी। तो बड़ा अच्छा किया आप लोगों ने मेरे को नॉलेज दी है, तो मैं इसको परफॉर्म करूँगा अपनी ड्यूटी पर। सर, आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार का पैसा कहीं ना कहीं बर्बाद किया जा रहा है इस तरह से डॉक्टरों के माध्यम से? क्योंकि जो कर्मी वहाँ पर काम कर रहे हैं डीसीडी के, वो तो सिर्फ एक काम करने वाले वर्कर हैं, उनको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो काम करेंगे। लेकिन क्या डॉक्टर जो है वो किस तरह से शरारत डिस्पेंस करेंगे? अगर कोई ऐसी गलती कर रहे हैं वो लोग, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। मोनेटरी फॉर्म में हो चाहे मेडिसिन, आप जैसे बता रहे हैं मेडिसिन नहीं दे रहे, जो भी कमी है मैं इसको थारो चेक करूँगा, मंडे को थारो चेक करके सार्वजनिक करूँगा, आपको बताऊँगा कि कोई प्रॉब्लम है, कोई जिसकी गलती है उसको सजा मिलेगी, चाहे कोई भी हो, बड़ा डॉक्टर हो छोटा हो, इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। गलत काम गलत है, चाहे कोई भी करे। सरकार ने देखिएगा इतनी सहूलतें दी हैं, मैं भी सब जगह जाता हूँ जहाँ पे वैक्सीन लग रही है, टेस्टिंग हो रही है, कोई भी कमी होगी दूर करेंगे, जो दोषी होगा उसको सजा देंगे, दोषी कोई भी हो। ये वीडियो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि लोगों की जिंदगी के साथ भी खेल खेला जा रहा है। डॉक्टर जिन्हें भगवान का रूप कहा जाता है, वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से ना निभाते हुए सरकार की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये तस्वीर देखने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डिस्पेंसरी पर क्या कार्यवाही करते हैं। TV29 न्यूज के लिए चेतना चौधरी की रिपोर्ट।